गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश में चैप्टर 4 का क्वेश्चन 2 करेंगे, ठीक है। गिवन लो आर सम थिंग्स, नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, दैट हैपन इन द स्टोरी, जो कहानी में होती हैं। राइट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस टू पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में रखने के लिए बक्से में संख्या को लिखना है, ठीक है। इसके लिए हम पहले स्टोरी को रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है बेटा। गोपाल इज अ कैब सेलर, गोपाल एक कैब सेलर था। गोपाल सिट्स अंडर अ ट्री एंड फॉल्स अस्लीप, गोपाल पेड़ के नीचे बैठा और सो गया। ही इज गोइंग टू सेल हिज कैप्स, वह टोपी बेचने के लिए जा रहा था। गोपाल ट्राइज मैनी ट्रिक्स टू गेट हिज कैप्स बैक, गोपाल ने कई तरीके अपनाए अपनी कैप्स को वापस पाने के लिए। गोपाल थ्रोस हिज कैप इन एंजर, गोपाल ने अपनी कैप को गुस्से में फेंक दिया। ही फील्स ट्राइड, वह थका हुआ महसूस कर रहा था। ऑल द मंकीज टेक हिज कैप, सभी मंकीज ने कैप ले ली। गोपाल वेक्स अप टू फाइंड एन एम्प्टी बैग, गोपाल जब उठा तो उसने क्या पाया कि उसका बैग खाली है। बट मंकीज डू नॉट रिटर्न द कैप्स, मंकीज ने क्या किया, गोपाल को कैब वापस नहीं की। द मंकीज टू थ्रो देयर कैप्स ऑन द ग्राउंड, सभी मंकी ने क्या किया, कैप्स को फेंक दिया ज़मीन पर, ठीक है। देखो यहाँ लास्ट में 10 दिया है और यहाँ स्टार्टिंग में बेटा 1 दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनमें संख्या को लिखना है, नंबर्स को, ठीक है। देखो स्टोरी क्या थी बेटा, बेटा कि गोपाल एक कैब सेलर था, वह अपनी टोपी बेचने के लिए जा रहा था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला, ठीक है। ही इज गोइंग टू सेल हिज कैब्स, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, वह थका हुआ महसूस कर रहा था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, ही फील्स ट्राइड, ये वाला, या हम थर्ड लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, गोपाल सिट्स अंडर अ ट्री एंड फॉल्स अस्लीप, गोपाल पेड़ के नीचे बैठा और सो गया। फोर्थ पॉइंट ये है बेटा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बेटा, ऑल द मंकीज टेक हिज कैप्स, सभी मंकीज ने क्या किया था बेटा, कि गोपाल की कैप्स ले ली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गोपाल वेक्स अप टू फाइंड एन एम्प्टी बैग, गोपाल जब उठा तो उसको उसका बैग खाली पाया, ठीक है। सिक्स पॉइंट ये है। फिर सेवन पॉइंट है बेटा, गोपाल ट्राइज मैनी ट्रिक्स टू गेट हिज कैप्स बैक, गोपाल ने कई तरीके अपनाए अपनी कैप को वापस पाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बट मंकीज डू नॉट रिटर्न द कैप्स, बट मंकीज ने गोपाल को कैप वापस नहीं दी। एट पॉइंट ये है। फिर नेक्स्ट है, गोपाल थ्रोस हिज कैप इन एंजर, गोपाल ने अपनी कैप को गुस्से में फेंक दिया। नाइन्थ पॉइंट, टेंथ पॉइंट है, द मंकीज टू थ्रो देयर कैप्स ऑन द ग्राउंड, फिर मंकीज ने भी अपनी अपनी कैप्स को ज़मीन पर फेंक दिया। टेंथ पॉइंट ये है बेटा, ठीक है। आपको इसी तरह डिजिट संख्या लिखनी है बेटा। फिर क्वेश्चन 3 है, फिल इन द मिसिंग वॉल्स टू मेक वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, आपको क्या करना है बच्चों, वॉवल्स के शब्दों से मिसिंग वर्ड को पूरा करना है, ठीक है। देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, अगर ये हम यहाँ पे ए लगाएंगे तो क्या बन गया बेटा, ये कैप, मंकी एम ओ एन के ई वाई, मंकी टी आ डबल ई ट्री, ये क्या है, फॉरेस्ट एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट, ये क्या है अस्लिप ए एस एल डबल ई
पी स्लिप, फिर ये क्या है अंडर, यू एन डी ई आ अंडर, फिर नेक्स्ट है इमिटेट, आई एम आई टी ए टी ई इमिटेट, नेक्स्ट है कैप्सुलर, सी ए पी एस कैप्सुलर, एस ई डबल एल ई आ कैप्सुलर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्टिविटी फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड, आप शब्द के लेटर्स का उपयोग करके कैप्सुलर से शब्द बना सकते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या बन जाएगा, सी ए पी कैप, फिर और क्या बन सकता है बच्चों, एस ई डबल एल सेल, एस ई डबल एल ई आ सेलर, ए डबल एल ऑल, सी ए आ कार, पी ई ए आ पियो, ठीक है। कैप सेलर से बेटा हमने वर्ड बनाए, इसके बाद दिया है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का वर्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है बेटा। जय हिंद बच्चा।